दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नया अकाउंट ओपन कैसे करेंगे बिना ब्रांच विजिट किए, वो भी अपने मोबाइल से। इसमें आपको हैंड टू हैंड अकाउंट नंबर मिल जाएगा और एटीएम कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पे मिल जाएगा। ये अकाउंट ओपन करना पूरी तरह से पेपरलेस होगा, मतलब कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का पेपर नहीं सबमिट करना है। अकाउंट ओपन करने से इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने तक पूरा बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको योनो SBI टैप करके सर्च कर लेना है, देन आपको इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू टू SBI पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो तरीके का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक तो है डिजिटल सेविंग अकाउंट और दूसरा है इंस्टा सेविंग अकाउंट। डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको एक बार ब्रांच विजिट करना होगा और इंस्टा सेविंग अकाउंट में आपको ब्रांच विजिट नहीं करना है, और इंस्टा सेविंग अकाउंट में आपको ATM कार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इंस्टा सेविंग अकाउंट के सेक्शन में आकर के आपको अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई न्यू पे क्लिक करना है। अप्लाई न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड से आपका डेटा लिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे रेफरल कोड ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सबमिट कर दें। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट आप किस तरीके से करेंगे, आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है, ऊपर डिस्प्ले पे भी आ रहा होगा, तो आप इस तरीके से ही अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड को इंसर्ट कर देना है। पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर डाल देना है, देन आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको अपना एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे कि हाँ मैं इंडिया का टैक्स पेयर हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा, आप इसे पढ़ लें। इसे पढ़ने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो आप आधार कार्ड स्कैन भी कर सकते हैं, या आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं, या आप वर्चुअल ID भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आधार नंबर है, तो सिंपली मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दूंगा। नंबर डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, जो भी आधार कार्ड पे नाम होगा वो नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आप इसे यहाँ पे देख ले। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स ऐड करना है, तो यहाँ पे आप सिटी ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया डाल देंगे, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया डाल देंगे, यहाँ नेशनलिटी ऑफ इंडिया डाल देंगे, ठीक है। मतलब कि आपको चारों ऑप्शन में आपको इंडिया डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना, जहाँ पे भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है उस प्लेस ऑफ बर्थ को यहाँ पे डाल दें। उसके बाद चारों में आप इंडिया डाल दें, तो नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा एड्रेस का, ठीक है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है आप सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर ले। सब डिस्ट्रिक्ट आपका अंचल होगा, ब्लॉक होगा, ठीक है, उसी को सब डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो आप अपना अंचल और ब्लॉक को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विलेज और टाउन को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका विलेज और टाउन है उसे आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपके आधार कार्ड पे जो भी फोटो होगा वो फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप फोटो देख ले, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका एडिशनल डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप जितने पढ़े लिखे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, तो मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड है मैरिड है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक है।
अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो नाम डाल देंगे आप, यहाँ पे फादर नेम डाल देंगे, यहाँ पे मदर नेम डाल देंगे, यहाँ पे स्पोज का नेम डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एनुअल इनकम आ जाएगा, तो आपका जो भी एनुअल इनकम है उस एनुअल इनकम को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन आ जाएगा, ठीक है, तो आप अदर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन अदर में आप क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका रिलीजन जो भी है उस रिलीजन को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल्स डालना है, ठीक है। तो नॉमिनी का डिटेल्स आप आधार कार्ड को स्कैन करके भी डाल सकते हैं और आप नॉमिनी का डिटेल्स इंटर भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इंटर नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करना है। नॉमिनी का डिटेल्स डालने के लिए आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालना है, यहाँ पे रिलेशनशिप डाल देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे गार्जियन नेम अगर माइनर है तो, यहाँ पे गार्जियन का एज, ठीक है। अगर माइनर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको नॉमिनी नेम और रिलेशनशिप डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स डालना है। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे एड्रेस लाइन वन में आप एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना होम ब्रांच सेलेक्ट करना, जो भी आपका ब्रांच है उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप बाय लोकेलिटी पे क्लिक कर देंगे, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ब्रांच को सिलेक्ट करने के लिए आपको अपना ब्रांच का नाम यहाँ पे टाइप कर देना, जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच के नाम को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ब्रांच का नाम जैसे टाइप करेंगे आप, यहाँ पर आपका ब्रांच आ जाएगा। सिंपली आपको ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसे आप अच्छे से रीड कर ले, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क पे टिक कर देना, जब तक आप पूरा रीड करेंगे तभी यहाँ पे चेक मार्क होगा, ठीक है। पूरा रीड कर ले, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। OTP डालने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डेबिट कार्ड डिटेल्स में, ठीक है। तो आपका ATM कार्ड पे जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उस नेम को आप यहाँ पे फिल कर देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा, अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, और नोट करने के बाद आपको ये काम आएगा। नोट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे आपको लिंक दिया गया, आप लिंक पे भी क्लिक करके आ सकते हैं। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे SBI ऑनलाइन, ठीक है। SBI ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अभी लॉगिन नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी यूजर नेम एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्टर हेयर एक्टिवेट, ठीक है। तो अब आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये एक नया टैब में ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब नया टैब में ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक तो आप एक्टिवेट ऑफ यूजर नेम कर सकते हैं या आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नया रजिस्ट्रेशन आप बिना ATM कार्ड का नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक्टिवेट ऑफ यूजर नेम पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टेम्प्रोरी यूजर नेम आपको टाइप कर देना है। टेम्प्रोरी यूजर नेम आपके मोबाइल नंबर पे आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद CIF नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। CIF नंबर डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चे को फिल करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम क्रिएट करना है। तो यूजर नेम क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे यूजर नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना चेक करना है कि आपका ये नाम अवेलेबल है यूजर नेम के लिए या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको फिर से कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, योनो एप्लीकेशन को, ओके। योनो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इसी में लॉगिन करना होगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में ये ऑप्शन आएगा, लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इंटरनेट बैंकिंग ID एक्टिवेट कर लिए, तो आप यस करें क्योंकि आपने तो कर लिया है। उसके बाद यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, रेफरल कोड ऑप्शनल है, इसके डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको कंसेंट देना है एमपिन सेट करने के लिए। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन सेट कर लेना है। यहाँ पे आपको फिर से इंटर कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा योनो आ जाएगा, ठीक है। पूरा बैंकिंग आपके अब हाथों में आ गया है। यहाँ से आप अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, यहाँ से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से आप योनो कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बहुत ऐसा काम है जो कि आप इस ऐप में कर सकते हैं। तो आप ऐसे करके अपना अकाउंट ओपन कर ले। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इसी ऐप के सहारे जो भी काम करना होगा वो काम आप इस ऐप में आकर के कर सकते हैं। जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे और इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट कर लेंगे, फिर आप UPI भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, भीम UPI, आप किसी भी तरीके का UPI यूज कर सकते हैं और आपका ATM कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।